नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। और अब खबर हरियाणा के हिसार से। हिसार के सूर्यनगर के पास एक ही परिवार के 3 सदस्यों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों में महिला, उसकी बेटी और एक बेटा शामिल है। अभी तक तीनों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को रेलवे पुलिस ने नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस की छानबीन जारी है। परिजनों के बयान दर्ज कर शवों के पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई होगी। रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध ने बताया कि रविवार और सुबह 1:30 बजे हिसार से जयपुर की ट्रेन चलती है। जब ट्रेन हिसार से चली तो तीनों उसके आगे आ गए। तीनों के ट्रेन के आगे आने की सूचना ड्राइवर ने गार्ड को दी। इसके बाद गार्ड मौके पर आया और उसने हमें जानकारी दी। शवों को रेलवे लाइन से हटाकर साइट पर किया गया। तीनों के शरीर कट गए हैं। मृतकों की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। प्राथमिक दृष्टि से ये पता चलता है कि तीनों एक ही परिवार के हैं, माँ, बेटा और बेटी हैं। तीनों के शव अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। शिनाख्त की जा रही है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।